हेलो डिफेंस सर्विस, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस है जीडी का, यानी जनरल ड्यूटी के बारे में आज हम बात करेंगे, ओनली फॉर सिलेबस। इसमें सिलेबस को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हाँ सर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़, द एग्ज़ाम फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ ऑफलाइन। ऑफलाइन होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। पहली चीज़ इसमें द एग्ज़ाम, द मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, ठीक। इसमें आपको नेवी के जैसे इंडियन नेवी है, ये इंडियन नेवी का पार्ट रहता है, इंडियन नेवी के अंदर आता है, ये एमओडी के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता है, एमओएच के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसमें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं नहीं है, बट फार बेटर अगर हम लोग बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, लोग इनको ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से आगे आपका फ्यूचर स्कोप भी है। अभी मैं आपको पहले सिलेबस समझा दूँ, सिलेबस क्या चीज़ है इंडियन कोस्ट गार्ड का। पहली चीज़, इसमें पेपर जो होता है ऑफलाइन। दूसरा, 80 क्वेश्चन का पेपर, सबसे बड़ा गजब, क्योंकि 100 तो नेवी में आते हैं साहब, एयरफोर्स में भी ऐसे 70 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इसमें बड़ा अजीब क्यों है, थोड़ा सा अजीब इसीलिए क्योंकि 80 क्वेश्चन सिलेबस काफ़ी वास्ट है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी 1 आवर का टाइम मिलेगा। MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और नॉन नेगेटिव मार्किंग, नो माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात, ब्लफ करने के लिए, ब्लफ कर सकते हैं आप। मैथ्स पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहता है, ये सारा आपका 12th बेस्ड पर रहेगा। तो मैं भी बता दूँ, 3D, 2D, वेक्टर, अरिथमेटिक वगैरह सब कुछ आएगा आपका यहाँ पे। एडवांस एलजेब्रा हो गया, आपको बता दूँ मैं, स्ट्रेट लाइन्स, कॉनिक सेक्शन, 2D में तो वैसे आ जाता है, यहाँ पर कॉनिक सेक्शन ले लिया मैंने, सब कुछ। और इसके बाद आपका आता है कैलकुलस हो गया, ट्रिगो हो गया। कैलकुलस की बात कर ली हमने, ट्रिगो की बात कर ली, PNC की बात करते हैं। और साथ में इसके अलावा क्या आता है, प्रोबैब आता है। व्हाट इज़ दैट प्रोबैब, प्रायिकता जिसको कहते हैं। इसके बाद अपनी आती है इसमें फिजिक्स आता है इसमें। तो फिजिक्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ऑप्टिक्स, यानी रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों आते हैं। ह्यूमन आई के बारे में आता है काफ़ी, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके, पेरिस्कोप वगैरह, इनके बारे में आता है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करके आ जाता है कभी कभी, अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इमेजेस वाले। और आपका ग्रेविटेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा रहता है, ग्रेविटी मान के चलिए आप, डायमेंशंस वगैरह याद रख लीजिए। ग्रेविटेशन फोर्स का जो कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू याद रख लीजिए, 6.67 × 10⁻¹⁻ करके, वो याद कर लीजिए आप। वेट हो गया, अर्थ का रेडियस हो गया, कुछ इस टाइप की चीज़ें याद रख लीजिए। मॉडर्न, और साथ में मॉडर्न फिजिक्स आप ध्यान पर रखिए, मॉडर्न फिजिक्स मान के चलिए जो आपकी काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसमें ट्रांजिस्टर हो गया, सर्किट वगैरह, गेट के क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी आए थे, और गेट नॉन गेट वाले, और एंड नॉट, तीनों होते हैं ऐसे, तीनों गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। फिजिक्स ये हो गया आपका। हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, केमिस्ट्री सिर्फ डेली केमिस्ट्री आती है। डेली केमिस्ट्री आप जो डेली के ऐसे टेबल सॉल्ट का कभी फॉर्मूला पूछ जाते हैं, इजी, इसी टाइप की इजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पूछ दिया उसने, कुछ मॉलिक्यूल्स का पूछ देगा वो, शुगर, स्टार्च, फ्रक्टोज वगैरह का पूछ दिया। अब चीज़ सबसे हार्ड कौन सी रहती है, जीके। सारे लड़के इसी में मात खाते हैं, बोलते हैं कि सर ये काफ़ी डिफिकल्ट आती है। डिफिकल्ट नहीं, वास्ट कोर्स है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा है। हिस्ट्री 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, पॉलिटिकल कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। एक करंट अफेयर से मान के चलिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, और काफ़ी इजी आते हैं, कोई टफ नहीं आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स का काफ़ी आता है अपने, स्पोर्ट्स हो गया जनाब। स्पोर्ट्स के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पोर्ट्स के बाद आता है आपका ऑथर्स, बुक एंड ऑथर्स हो गया आपका, अवार्ड्स हो गए, प्राइज़ हो गया, ऑस्कर वगैरह इस बार किसको मिला, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बुकर अगर किसी को प्राइज़ मिला हुआ है वो देख सकते हैं। मैंने बोला कि आप ये पद्म विभूषण मिला है काफ़ी, पद्म भूषण मिला है काफ़ी लोगों को, वो याद कर सकते हैं आप। पद्मश्री मिला है करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत को पद्मश्री मिला हुआ है इस बार, ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हुआ है, जैसे कि राजस्थान के एक हैं जिन्होंने 50,000 के आसपास उन्होंने पौधे उगाए,
जिनमें उन्होंने हर पौधे पे मतलब ऐसे एरिया में, एरिड एरिया में उन्होंने उगाया था कि जहाँ पे उगाना ही बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है। तो उन्होंने 1 लीटर एक पौधे के ऊपर खर्च किया और उन्होंने बढ़िया पौधे उगा रखे एकदम ग्रीन, राजस्थान जैसे एरिड एरिया में। ये बस इस टाइप के क्वेश्चन आते थे जीके से। अब आगे अपना इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड जिसको कहा जाता है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसमें सीरीज यानी न्यूमेरिक सीरीज, नंबर वाला, बॉक्स वाला, सर्कल वाला, कुछ भी इस टाइप का आ जाएगा आपको। फिर सीरीज में न्यूमेरिक सीरीज, नंबर वाला, अल्फाबेटिक ए बी बी सी सी ए वाला, या फिर अल्फा न्यूमेरिक A1 B2 इस टाइप का अल्फा न्यूमेरिक हो गया जिसमें अल्फाबेटिक भी है, नंबर भी है। इसके बाद सीरीज में क्या आता है, फिगर्स वाला आता है, फिगर्स यानी एम्बेडेड फिगर्स हो गया, फिगर यानी बोला जाए आपका कि बॉक्स में इस टाइप के कोन्स बने होंगे कि अगला को, उसके बाद सीरीज अगर ढूंढेंगे तो अगला कौन सा होगा, या इन पांचों में से ऑड वन आउट कौन सा करो, ऑड वन आउट बोल दिया, ऑड वन आउट ये चीज़ हो गया, ऑड वन आउट आपने रख दिया। नेक्स्ट चीज़ अगर हम इस पर बात करते हैं सीरीज फिगर्स ऑड वन आउट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं मेरे हिसाब से बोला जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या रहती है, वो रहती है आपकी कोडिंग डिकोडिंग। वो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके 2-3 क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग के, हाँ इफ़ दिस इज़ कोडेड एज दिस तो इसको क्या कोड करेंगे, कॉफ़ी को कोड किया गया डफाकू तो अगला जो आ गया तुम्हारा वो किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये हो गया। अगली इमेज आती है वाटर इमेज, मिरर इमेज करके आती है इमेजेस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन तो हमेशा उसके बनने हैं, एक वाटर इमेज का बनेगा एक मिरर इमेज का बनेगा, इजीली आपके क्वेश्चंस बन गए। ये मान के जो अगर मैं आपके एक रेशियो पे लगाता हूँ 20 मान के चलिए, अब 20 तो नहीं 15 20, केमिस्ट्री से भी आपके 10-12 क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे भी इस टाइप के आपके बन जाते हैं। आपके पास 5 सेक्शन हैं, 5 सेक्शन में अगर नॉर्मल भी मान के चलूँ हर किसी से आपके 15-20 भी आते हैं, 5 सेक्शन तो आपका वही 80-100 के आसपास बन जाता है, चलो 75 से लेके 100 का हमने बना दें वही, और अपने आने 80 के आसपास, तो कुछ भी हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है, किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप प्रैक्टिस हार्ड करके जाइए और क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व करूँ, 80 में से 80 करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों के 72-72 नंबर भी आते हैं, तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है। तो ये चीज़ समझ लो सिलेबस क्या है, सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, बुक्स में सजेस्ट कर दूँगा प्रीवियस ईयर्स के लिए हो गई, या फिर अगर नॉर्मल बुक पढ़नी है आप अरिहंत के लिए ले लीजिए, आप लोग करतार के ले लीजिए, आपको अगर नॉर्मल और चाहिए कि दिशा की आपको मिल जाएगी, गाइड मिल जाएगी, एग्ज़ाम कार्ड की आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस ईयर के, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की, तो वो आपको दिशा से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उस बंदे तक पहुँचाए जिसको उसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।